नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाही। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ चर्चित खबरों पर। कुशीनगर की सुकरौली में बीआरसी स्थित प्राथमिक विद्यालय में कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार। अयोध्या में पशु फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ किसानों के लिए हुए जानलेवा साबित। सिंगरौली में यातायात थाना में पदस्थ थाना प्रभारी को तबादले के बाद दी गई विदाई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया मथुरा में भ्रमण कार्यक्रम। झारखंड के विधानसभा के नए भवन में लगी आग, जताई जा रही है शॉर्ट सर्किट की आशंका। उन्नाव में फिर हुई मानवता शर्मसार, युवती को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया गया। सिंगरौली में नशे व अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्यवाही जारी, 1 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया तस्कर। सिंगरौली में पुलिस चौकी खुटार के द्वारा 46 पाव अवैध देसी शराब के साथ अवैध रूप से बिक्री करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी की चौकी बाकेगंज के अंतर्गत ग्राम सभा अमीर नगर में अधीर व्यक्ति ने लगाई फांसी। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ में कांग्रेस कमेटी ने 4 दिसंबर को बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के गेट पर किया धरना प्रदर्शन। पन्ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवेंद्र नगर के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन कार्यक्रम। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सम्राट लोगों की उपस्थिति में की गई शांति समिति की बैठक। हरदोई के थाना अतरौली में कोतवाल उमा शंकर उत्तम ने दिए सख्त आदेश। फिरोजाबाद में थाने से चंद कदमों की दूरी पर ज्वेलर्स की दुकान में हुई लाखों की चोरी। ललितपुर में विशेष पुलिस बल दस्ता के द्वारा महिलाएं एवं बालिकाओं की सहायता के लिए किया गया शक्ति मोबाइल ऐप का संचालन। हरदोई में ड्रग इंस्पेक्टर एवं बघौली पुलिस के छापे में 12 शीशी टिंचर एवं 400 ढक्कन हुए बरामद। हरदोई में मल्लावा नगर पालिका की लापरवाही के चलते दूषित पानी पीने को मजबूर नगरवासी। फतेहपुर में आम जनमानस को न्याय दिलाने के उद्देश्य व उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए विभिन्न जनपदों में तहसील दिवस का आयोजन। फतेहपुर जनपद के मलवा थाना क्षेत्र के अड़ीना गोपालपुर गांव में द्विपक्षीय जमीनी विवाद में फर्जी फंसाया जा रहा है स्कूली छात्रों को। संभल में हनुमान जी की मूर्ति व अन्य देवी देवताओं की गई स्थापना। बहराइच में 10 दिनों से चल रहे पूजा व अर्चना का आज हुआ समापन। शाहजहांपुर में फोन करने पर भी नहीं आई 108 एम्बुलेंस, बीमार मां को हाथ ठेली पर ही ले गया लाचार गरीब बेटा, खुली 108 की पोल। लखीमपुर खीरी में उपजिलाधिकारी दिग्विजय सिंह के निर्देश पर मिदौली में आयोजित की गई पीस कमेटी की बैठक। श्रावस्ती में संयुक्त जिला चिकित्सालय में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन माननीय विधायक एवं जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। बहराइच में नानपारा तहसील के हिंडवा पेट्रोल पंप के पास हुआ एक बड़ा हादसा। प्रयागराज में पीड़ित ने लगाई गुहार, ऑपरेशन के दौरान निकाली गई किडनी। प्रयागराज में मेजा तहसील में प्राइवेट ऑपरेटरों के साथ धोखे का मामला आया प्रकाश में। हरदोई के ब्लॉक संगीला के नारेंद्रपुर गांव में मौत को दावे दे रही पुलिया। मध्य प्रदेश के सीडी में बसंत साकेत की मौत के दोषियों पर कार्रवाई न करने पर परिजनों ने किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश के सीडी में रामपुर नरकिन में भाजपाइयों की गुंडई देखने को मिली, जहां पर फर्जी मुकदमों से कई लोग परेशान। प्रदेश के सिंगरौली में जिले की सरई थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तिहाड़ जेल से रिहा हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भगोड़े नित्यानंद ने इक्वाडोर के पास द्वीप पर बनाया अपना देश कैलाशा, संविधान और झंडा भी तैयार। नीरव मोदी की जेल हिरासत 2 जनवरी तक बढ़ी, भारत की प्रत्यर्पण अर्जी पर मई में होगी सुनवाई। पाकिस्तान की गिरफ्त में 3 नावों समेत 18 भारतीय मछुआरे। इमरान खान के एक मंत्री का दावा, पाकिस्तान में महंगाई के लिए भारत है जिम्मेदार। करतारपुर साहिब यात्रा के बहाने पाकिस्तानी दोस्त के साथ जाना चाहती थी भारतीय युवती, पकड़े गए दोनों। कर्नाटक में बाई पोल चुनाव आज, धीमी हो रही वोटिंग, उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी। पंजाब में अमरिंदर व सिद्धू के बीच सुलह की सभी रास्ते बंद, नवजोत की जगह राणा गुरजीत बनेंगे मंत्री।
जेएनयू देशद्रोह मामले में दखल नहीं देगा दिल्ली हाईकोर्ट, आप सरकार पर छोड़ा फैसला। महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत शुरू, 400 कार्यकर्ताओं ने छोड़ा पार्टी का साथ, भाजपा में हुए शामिल। मनमोहन सिंह ने कहा कि नरसिंहा राव अगर गुजराल की सलाह माने थे तो सिख नरसंहार से बचा जा सकता था। संसद परिसर में प्याज की कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। झारखंड में शाहनवाज हुसैन बोले कि पैकिंग कर लें, बांग्लादेशी घुसपैठिए, एनआरसी लागू होकर रहेगा। इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान बॉब विलिस का हुआ निधन, विकेट लेने में महारत हासिल। मैच फिक्सिंग में आया पूर्ववर्जी खिलाड़ी का नाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रियंका चोपड़ा को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, यूनिसेफ ने दिया डैनी का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ऋतिक रोशन बने एशिया के सबसे सेक्सीएस्ट मैन। जेम्स बॉन्ड की 25वीं फिल्म का ट्रेलर रिलीज, जबरदस्त एक्शन के साथ डायलॉग बाजी। देखते रहिए टीवी1 इंडिया न्यूज। नमस्कार।